बुरे कामों में एक बात बहुत अच्छी होती है कि आमतौर से कामयाब हो जाते हैं। तो वो ये भी हुआ, ये जो पूरा आइडिया है यही अपसर्ड। जबान रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं होती, हो ही नहीं सकती। इलॉजिकल बात, भाई पंजाब की जबान पंजाबी होगी, बंगाल की जबान बंगाली होगी, गुजरात की जबान गुजराती होगी, सिंध की जबान सिंधी होगी, इलाकों की जबान होती है, फ्रांस की जबान फ्रांसीसी है, जर्मन की जबान जर्मन है, इटली की जबान इटालियन है। ये पहली दफ़ा हमने सुना कि भाई जबान के मज़हब भी होता है। कमाल यह है कि जिस शहर में इस वक्त आप बैठे हैं, 1798 कोई बहुत दिन हुए हुए इंसान की तारीख में, दो साल और मिला लीजिए तो 19th century शुरू हो जाती है। ज़रा देखिए, अब आप शायरी भी करें हिसाब भी सही रखें, मुश्किल दोनों काम नहीं हो सकते। आप बताइए जो करना वो कर देता हूँ। तो शाह अब्दुल कादिर साहब नाम के एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया 1798 में, और उनको कुफ्र के फतवे दे दिए गए, बावजूद उसके कि वो एक नहायत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उन लोगों का जो है स्टेटस था रिलीजियस ग्रुप्स में, उसके बावजूद कि ये इतनी गंदी ज़बान में इतनी मोहतरम और इतनी मुकद्दस किताब का इसने तर्जुमा कर दिया 1798, और उसके 70-80 साल बाद इस ज़बान के सर पे टोपी रख दी गई 70-80 साल में। तो देखिए ये भी कमाल होता है, फंडामेंटलिस्ट की जो थिंकिंग है वो कैसी सिमिलर होती है। ये जो शाह अब्दुल कादिर के साथ हुआ यही तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास ने उससे 200-250 साल पहले जब रामायण तर्जुमा की थी रामचरितमानस के, उसमें तर्जुमा तो मैं नहीं कहूँगा, ये उनका वर्जन था रामचरितमानस, तो उनको निकाला दे दिया गया था, हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया, जिसके ऊपर उन्होंने चौपाई लिखी हो, मैं आपको सुनाता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कि जुलाहा कोहू, कोहू की बेटी से बेटा न ब्याहब कोहू कि जात बिगाड़ न चोहू, मांग के खैबो मस्जिद में रहबो, मस्जिद मस्जिद मांग के खैबो मस्जिद में रहबो, लेबे का एक न देबे का दोहू। तो जहाँ जो फ्री थिंकर होते हैं, जहाँ जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, वो हर थॉट को हर चीज़ को रिलीजन को पहुँचा रहे हैं कॉमन मैन तक उर्दू में या अवधि में, ये भी बर्दाश्त नहीं फंडामेंटलिस्ट को, बाकी बातें तो छोड़िए। तो बहरहाल वापस आइए मौजू पे, कि ये ज़बान जो है इसको एक बहुत सही तरीका होता है कि आप तारीख के अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अकबर जो था वो बाहर का था, महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के थे। आप ये बता सकते हैं कि महमूद गज़नवी के सीने में ईमान की आग थी और वो बुतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन बामियान उसकी हुकूमत के सेंटर में थे, पता नहीं उन्हें क्यों बर्दाश्त करता था, उसे सोमनाथ क्यों आना पड़ता था। अब ये सब अलग कहानियाँ हैं। तो ये आप एक मुस्लिम वर्जन एक हिंदू वर्जन हिस्ट्री का बना लीजिए, आपने बना लिया टू नेशन थ्योरी के लिए। आपने वहाँ लाला लल्लू लाल की निगरानी में ये भी किया कि ज़बानों को आपने किया, उर्दू से ऐसे लफ्ज़ जिसे मालूम हो कि एक किस ज़मीन से उगी है वो निकालने की कोशिश की गई। क्या भाई कुली कुतुब शाह तो सजन लिख लेता था, अब सजन हिंदू हो गया, सजन मुसलमान नहीं होता, चलिए नई बातें मालूम हुई। तो ज़बान को भी बहुत हद तक अलग करने की कुछ हुकूमत ने और कुछ उनके एजेंट्स ने उनके चाहने वालों ने उनकी सरपरस्ती में ये काम किए, उसको परेशनाइज किया, उसे संस्कृताइज किया, ये सब हुआ, लेकिन ये इलॉजिकल है।
अब क्या है कि कितना कर लेते, बाकी चीज़ें तो बांट लोगे, ज़बान कैसे बांटोगे। उर्दू तो इतनी, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सेकुलर और एंटी फंडामेंटलिज्म लैंग्वेज थी, कि वो सबूत थी एक कॉम्पोजिट कल्चर की, तो उसमें बांटते कैसे भाई। ये तो कह नहीं सकते थे कि पाकिस्तान वाले नाउन रख लें, हम लोग वर्ब रख लें, ये तो नहीं हो सकता था। तो उस ज़बान को एक तरफ तो ढकेलना ही था, या इधर या उधर। यहाँ पर हिंदी तैयार की जा रही थी, उन्होंने उर्दू उधर दे दी। उर्दू कहाँ गई, जहाँ से पैदा सिंध में पख्तून और बिल्लोच के पास, बंगाली के पास, और कहाँ से चली गई, लखनऊ से, दिल्ली से। ये सही हुआ, सिंधी के साथ, बंगाली के साथ, पठान के साथ, या दिल्ली वाले के साथ, या लखनऊ वाले के साथ, ये पूछना है कोई सवाल ही नहीं है। और इसका जवाब भी क्या आप देंगे और मैं दूंगा। तो ये एक गलत सी बात हुई थी, और उसमें उस अल्टर पे उस ज़बान की कुर्बानी दी गई जो ज़बान इस तमाम तरह की तमाम तहरीकों और इस ज़रा इस किस्म की तमाम ज़हनियत और इस मिजाज के ही ख़िलाफ़ थी। कुर्बानी उसकी दी गई। बहरहाल मुझे तो, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, मगर फिर भी ये शिकायत है अपने समाज से भी और अपनी हुकूमत से भी कि हम कश्मीर का तो दावा नहीं मानते पाकिस्तान का, हमने उर्दू का क्यों मान लिया। ये भी हमारी ज़बान है भाई, आपने मान लिया, उन्होंने कहा आपने मान लिया, बहुत अनफेयर बात है। मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई।